अभ्यासम कुर्मा, हम अभ्यास करें, आओ प्रैक्टिस करें। तो क्या प्रैक्टिस करनी है, लिखा है प्रश्न संख्या एक पूर्व पृष्ठस्य, लिखा है पहले पेज के कोष्ठ के मतलब कोष्ठक में दत्तानि रूपानि दृष्ट्वा, दिए हुए रूपों को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ये है इससे पहले वाला पेज, इसमें ये कोष्ठक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके आपने रूप देख लिए अच्छे से, तो देखने के बाद आपने इनको भरना है। जैसे लिखा है लिखतु, यहाँ लिखताम है तो यहाँ क्या हो जाएगा लिखंतु। ये कहाँ से हमने देखा, ये हमने देखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखा। देखो यहाँ लिखा है ना पठतु पठताम पठंतु, तो हमने क्या बोला लिखतु लिखताम लिखंतु। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा लिख, क्या हो जाएगा लिख, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखावा, यहाँ हो जाएगा लिखाम, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्या होगा क्रीडतु 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 क्रीडताम क्रीडन्तु, ठीक है। वैसे ही क्रीड क्रीड क्रीडतम क्रीडत क्रीडानि क्रीडावा क्रीडामा, ठीक। मैंने आपको पहले कहा जब एक आ जाता है ना तो सारा आने लग जाता है। अब बच्चों यहाँ प्रश्न संख्या दो है, इसमें ना एक श्लोक लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु, नीचे लिखे हुए सुभाषितों में या श्लोकों में लोट लकार से, लोट लकार के क्रियापदानी चित्वा लिखंतु, क्रिया शब्दों को चुन करके लिखो, ठीक है। तो क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है वर्षतु, हाँ, और उसके बाद है संतु, दो ही दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये श्लोक है, इसको आप पढ़िए याद करिए, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम् क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। यहाँ इसका संस्कृत में अर्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। ये परमेश्वर के लिए प्रार्थना है, ईश्वर के लिए प्रार्थना है कि मेघा उचिते समय वर्षन्तु, ठीक है। भगवान से ये प्रार्थना है कि हे मेघ हे बादल सही समय में वर्षो, तेन भूमि उससे जो धरती है सस्य ही फसल से समृद्धा पूर्णा च भवतु, समृद्ध और पूरी होगी, समृद्ध मतलब उससे धरती जो है अमीर हो जाएगी और पूरी भर जाएगी। एषा ये देशा शांता भवतु, ये देश जो है वो शांत हो। सर्वे सज्जना सभी सज्जन वयम बिना डर के बिना जीवनम यापयंतु, डर के बिना जीवन जिए। तो ये श्लोक का अर्थ है, ठीक है। अब है ये दूसरा श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ आप देखेंगे ये भवन्तु आया है, तो यहाँ उत्तर में भवन्तु, फिर उसके बाद दूसरे में सन्तु, यहाँ तीन क्रियाएँ हैं, ये तीसरे में पश्यन्तु, तो ये तीन तो आ गए यहाँ पर लोट लकार के रूप। तो इसका अर्थ है कि सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सभी जन सुख से रहो, तिष्ठन्तु मतलब रहो, सर्वे सभी रोग रहिता बीमारी के बिना भवन्तु हों, सर्वे सभी शुभम ठीक एव ही ठीक ही, पश्यन्तु मतलब देखो, सभी ठीक ही देखो, अच्छा ही देखो, कस्यापि किसी को भी, या कृते किसी के भी लिए, कृते होगता लिए, तो किसी के भी लिए, किसी के लिए भी दुखस्य दुख का अनुभव फीलिंग ना भवतु, दुख का फील ना हो, किसी को भी दुख का फील ना हो। तो इस तरह से ये श्लोकार्थ है, ठीक है। अब रिपीट करके फिर से सुन सकते हैं। अब उसके बाद ये एक और श्लोक है, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः, ठीक है। ये एक मंत्र है, ये मंत्र है, ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। इमा आपा शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सन्तु आ रहा है एक, और उसके बाद फिर से यहाँ पर संतु ही आ रहा है दूसरा। तो दो ही शब्द हैं जो आपको यहाँ लोट लकार के दिख रहे हैं, संतु और संतु, दो ही बार हैं।
तो लिखा है जलम सर्वेशाम कृते, पानी सभी के लिए मंगलमय, मंगलमय मतलब कल्याणकारी, मालिन्य रहितम गंदगी के बिना, शुद्धम च भवतु गंदगी के बिना और शुद्ध हो, जल सभी के लिए कल्याणकारी और गंदगी के बिना शुद्ध हो, जलम पवित्रम शीतलम पानी पवित्र ठंडा च भवतु और ठंडा हो, पानी पवित्र और ठंडा हो, जलम सूर्यस्य पानी सूर्य के प्रकाशस्य रोशनी से, रोशनी के स्पर्शेना स्पर्श से पवित्रम भवतु पवित्र हो, पानी सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से टच से पवित्र हो। तो सूर्य का प्रकाश जब पानी पे पड़ता है तो मानते हैं कि पानी उससे क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। वैसे ही ये एक श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुनाय दीवास स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अदैवमामरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं नदीरा। इस श्लोक को बोलने में थोड़ा सा मुझसे इसका जो लय है वो नहीं बन पाया है, अब अपने गुरु की सहायता से अपने शिक्षक की सहायता से इसको अच्छे से बोलना ज़रूर सीखिएगा। हालांकि ये श्लोक याद करने के लिए आपको नहीं आएगा, आपको तो लोट लकार पूछा गया है, लेकिन ये जो सुभाषित है इनका अर्थ बहुत प्यारा प्यारा है। यहाँ पर देखो बहुत सारे शब्द हैं, निंदंतु है, स्तुवंतु है, समाविशतु है, गच्छतु है, इसके बाद यहाँ अस्तु है, ये सारे शब्द यहाँ पर लोट लकार के हैं। तो आपको यहाँ जो नीचे जगह दी गई है उसमें आपको भरना है, यहाँ हो जाएगा स्तुवंतु, उसके बाद यहाँ हो जाएगा समाविशतु, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा अस्तु, मरणम और अस्तु दो शब्द हैं, तो मरणम अस्तु मरणम अस्तु, यहाँ एक और जगह बच रही है, तो आप यहाँ देखना कौन सा जो है वो बच रहा है उसको आप यहाँ पर ज़रूर भर देना। मेरे ख्याल से हमने ये गच्छतु नहीं लिखा, तो यहाँ आप गच्छतु लिख दीजिए। अब है देखो लिखा नीतिकारः प्रशसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु, जो नीतिकार होते हैं नीति बनाने वाले होते हैं उनकी प्रशंसा करो अथवा निंदा करो, धनस्य लाभः भवतु पैसे का लाभ हो अथवा धन हानि भवतु अथवा पैसे का नुकसान हो, मरणम झटिति भवतु मरना अचानक हो अथवा विलंबेन भवतु अथवा देरी से हो, न्यायात मार्गात न्याय मार्ग से धीरा ना विचलंती, जो धीर लोग होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, हटते नहीं हैं, तत्रैव ते वहाँ पर ही वह स्थिर रूपेण तिष्ठति मजबूती से खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब है हमारे पास बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहाँ लिखा है उदाहरणानुगुणम, उदाहरण को देखकर, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ठीक है। लोट लकार से रूपानि लिखंतु, लोट लकार के रूप लिखो, जैसे लिखा है पठती, पठती को क्या लिख दिया, पठतु, पठती जो है लट लकार है इसको लोट लकार में पठतु लिखा जाएगा, वैसे खादती है तो इसको हम क्या लिख देंगे, खादतु। अब ती ती वाले कितने हैं यहाँ पर, ये भी है हसती, इसको अब लिख दीजिए हसतु, तो ये नृत्यति है, ये भी ती वाला है तो इसको भी आप लिख दो नृत्यतु, ठीक है। अब मी मी वाले कर लेंगे, ये क्रीड़ा मी है ना, क्रीड़ा मी को लिख देंगे बच्चों क्रीड़ानी, क्या लिख देंगे, क्रीड़ानी, ऐसे लिख देंगे क्रीड़ानी। वैसे ही है गच्छामी, तो गच्छामी को क्या लिखेंगे, गच्छानी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला ना लिखा है, यहाँ पर ये वाला ना लिखा है, ये क्यों लिखा है आप अपने शिक्षक से ज़रूर पूछें, इसका एक रूल होता है, नियम होता है। वैसे यहाँ लिखा है पश्यसी, ठीक है, आप सी सी वाले दो हैं तो पश्यसी का हो जाएगा बच्चों पश्य, और नयसी का हो जाएगा नय, नय का अर्थ होता है ले जाओ, पश्य का अर्थ होता है देखो। अब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों उदाहरणानुगुणम, उदाहरण के अनुसार बहुवचन से रूपानी लिखंतु, बहुवचन के रूप लिखो, से उत्तिष्ठतु को लिख दिया उत्तिष्ठंतु, खादतु को क्या लिखेंगे, ये तो सरल ही है खादंतु लिखेंगे, ठीक है। आगच्छतु को क्या लिखेंगे, आगच्छतु को लिखेंगे आ
गच्छन्तु। ठीक है, वैसे पठतु को क्या लिखेंगे, पठन्तु। आसान है, एकदम आसान। उपविशतु को क्या लिखेंगे, उपविशन्तु। ठीक है, उसके बाद गच्छतु को गच्छन्तु। अब इसमें भी आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप इतने नालायक होंगे। पातंतु, पतंतु हो जाएगा, पतति का हो जाएगा पतंतु। देखो ये स्क्रीन पे लिखने में ना थोड़ा सा हैंडराइटिंग इधर उधर हो जाता है, तो आप समझ नहीं आ रहा कहीं तो ज़रूर पूछें। लिखा है पाँचवा प्रश्न, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में, मतलब एनुअल फंक्शन में, के कौन कौन किम किम कुर्वंती, क्या क्या कर रहा है। इति सूचना रूपेणा, ऐसी सूचना रूप से वाक्यानि पुनः लिखन्तु, वाक्य जो है वो दोबारा लिखो। जैसे यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल लिखिए, यथा मतलब होती है एग्जाम्पल। दशम कक्षा या दसवीं कक्षा के छात्रा छात्र वेदिकाम, वेदिकाम होती है स्टेज को, अलंकुर्वंती मतलब सजा रहे हैं। तो इसको सूचना के रूप में लिखना आपने, आप किसी को सूचना दे रहे हैं ना, नोटिस, तो वहाँ लिखेंगे आप दशम कक्षा या छात्रा दसवीं कक्षा के छात्र वेदिकाम स्टेज को अलंकुर्वंतु, सजाओ, है ना, दसवीं कक्षा के छात्र स्टेज को सजाओ, ऐसा बोल दिया। वैसे लिखा है प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति, प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पठति मतलब पढ़ते हैं। अब आप ये जो अंडरलाइन शब्द है ना, तो इसी को ही आप बदलोगे, इसको किस में बदल दोगे आप, सूचना के लिए आपको लोट लकार का प्रयोग करना है, तो पठति की जगह पे आप क्या लिख दोगे, पठति की जगह पे आपको लिख देना है पठन्तु, क्या लिखना है पठन पठतु, पठति है ना, तो पठति का हो जाएगा पठतु, तो इसकी जगह पे आपको पठतु लिख देना है। तो ऐसे हो जाएगा प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठतु, मतलब प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ें। उसी तरह से अब बालिका नित्यंती, लड़कियां नाच रही हैं, तो आप इसको नित्यंती की जगह लिख देंगे नृत्यंतु, नृत्यंतु, लड़कियां या लड़कियों नाचो, नित्यंतु नाचो। तो यूयम आसंदान स्थापयथ, ठीक है, यूयम आसंदान स्थापयथा को आप लिख देंगे इसको आप लिख देंगे बच्चों स्था प य त, ऐसे लिख देंगे स्थापयत। ठीक है, वैसे ही है छात्र नायिका स्वागतम करोति, करोति को आप लिख देंगे करोतु। मम मित्रम धन्यवादः निवेदयति, तो निवेदयति का हो जाएगा बच्चों निवेदयतु, निवेदयतु। ठीक है, संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति, संचालयति का हो जाएगा संचालयतु, संचालयतु। ऐसे कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति का हो जाएगा गायन्तु। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 5। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है उसको ध्यान से देखो आप। यहाँ लिखा है परिच्छेदे, परिच्छेद में पट्टी का था, परिच्छेद अनुच्छेद जैसा ही होता है, पैसेज जैसा ही होता है, उसको परिच्छेद भी कहते हैं। पट्टिका से, पट्टिका होती है ये जो पट्टी है, बॉक्स है ना, इसको पट्टिका कह दिया जाता है। पट्टिका से उचित ही उचित क्रिया रूपे ही क्रिया रूपों के द्वारा रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूरे अंतु मतलब पूरे करो, तो रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपने, किससे, इस पट्टिका से देख के। यदा अध्यापक कक्षा में आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आता है, तदा तब, प्रथमम सर्वे तब, पहले सभी डैश पहले सभी क्या करते होंगे इनमें से, हैं, तो पहले सब क्या करें, तो अभिवादयंतु, सब पहले क्या करें, नमस्कार करें, तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा अभिवादयंतु। ठीक है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने एक लिख दिया, क्लियर, ये एक आ गया। वैसे उपचार वाक्य ना तम डैश, उपचार वाक्य से उनका देखो, पहले में आएगा सर्वे उत्तिष्ठन्तु, सब खड़े हो जाओ,
पहले क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठन्तु खड़े हो जाओ, फिर एक फॉर्मल शब्द से उनका अभिवादन करो, मतलब उनका वेलकम करो। यदा सा वदति, जब वह बोलें, तदा एव सर्वे, तब ही सभी डैश उपविशन्तु, तब ही सभी क्या करो, बैठ जाओ। तो एक, दो और तीन आपको पता चल गया, ठीक है। तस्य सूचना अनुसारम, उनकी सूचना के अनुसार, उनके बताने के अनुसार, पाठम पठन्तु, पाठम पठन्तु क्या आ जाएगा, पठन्तु, पठन्तु क्या आ जाएगा हमारा, चार नंबर। उसके बाद गृहपाठम डैश, गृहपाठ, घर का पाठ, घर का पाठ लिखन्तु, ठीक है, घर का पाठ लिखो, घर का पाठ लिखो, लिखन्तु। उसके बाद परस्परम वार्तालापम न, एक दूसरे के साथ बातचीत न कुर्वन्तु, है कहीं पर, हाँ यहाँ पर है कुर्वन्तु, मैं ये आ जाएगा छठा नंबर। और उसके बाद प्रश्नस्य उत्तरम, प्रश्न के उत्तरम, प्रश्न के उत्तर वदन्तु, बताओ, प्रश्न के उत्तर बताओ। संशयम डाउट पृच्छन्तु, जो डाउट है, संशय होता है डाउट, डाउट पृच्छन्तु, डाउट पूछो। तस्य उपदेशम डैश, उनके उपदेश श्रृण्वन्तु, सुनो, उनकी जो बातें उनको सुनो। बहिमा, बाहर मत गच्छन्तु, बाहर मत जाओ। तो ये मैंने आंसर तो आपके सारे यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स में इन आंसर्स को भर देना है। दिख रहे हैं सभी को आंसर्स, तो इन सब आंसर्स को आपने इन ब्लैंक्स में भर देना है। चलिए मैं भी कोशिश करता हूँ, अभी फटाफट भर देता हूँ, आप भी वैसे ही भर देना। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये कलर ले लिया ब्लू, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले नंबर में है उत्तिष्ठन्तु, ये मैंने लिख दिया बच्चों, उत्तिष्ठन्तु, उत्ति। देखो स्पेलिंग जो है ऊपर लिखा हुआ रहता है एग्ज़ाम में भी, तो आपको वहीं से देख के लिखना है उत्तिष्ठन्तु। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अभिवादयन्तु, अभिवादयन्तु। फिर उसके बाद है उपविशन्तु, उपविशन्तु, उपविशन्तु होता है बैठो, ठीक है, उपविशन्तु क्या होगा, बैठो। फिर उसके बाद है बच्चों पठन्तु, पठन्तु होता है पढ़ो। फिर उसके बाद है बच्चों लिखन्तु, लिखन्तु होता है लिखो। फिर उसके बाद है बच्चों कुर्वन्तु, कुर्वन्तु होता है करो, ना कुर्वन्तु मतलब नहीं करो। फिर प्रश्न के उत्तर वदन्तु मतलब बताओ या बोलो। फिर उसके बाद संशयम पृच्छन्तु, डाउट जो है वो पूछो, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों श्रृण्वन्तु, श्रृण्वन्तु होता है सुनो। और बहिमा गच्छन्तु मतलब जाओ, बाहर मत जाओ। ये हो गया। अब है हमारा इसके बाद सातवां प्रश्न, देखा है मार्गे सूचना दीपा, रास्ते में सूचना के लिए चित्र बने हैं। फलकानी च भवन्ति, फलक पर हैं, फलक होता बोर्ड। रास्ते में सूचना दीपा होते हैं, सूचना दीपा होते हैं सिग्नल्स, है ना, लाइट सिग्नल्स, दीपा तो होती लाइट और सूचना हो गया सिग्नल, है ना, लाइट सिग्नल। फलकानी च भवन्ति, फलकानी मतलब बोर्ड, और बोर्ड होते हैं। तेषां चित्राणि, उनके चित्र दृष्ट्वा देखकर, पट्टिका पदे ही, ये जो पट्टिका है इनके शब्दों से, वाक्यानि जो वाक्य हैं, और एक स्थानेषु लिखन्तु, और एक स्थानों में लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है लेफ्ट वाला, ठीक है, तो लेफ्ट वाले को कहेंगे वामतः गच्छ, वामतः गच्छ मतलब बाईं ओर जाओ। अब ये कुछ घूम करके है, और दक्षिण वाली साइड में भी है, राइट साइड वाला है, तो राइट साइड वाले को कहेंगे दक्षिणतः गच्छ, क्या कहेंगे,
दक्षिणतः गच्छ, मतलब राइट साइड जाओ। तो यहाँ ये दोनों लोग चल रहे हैं और ये एक ट्रायंगल है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पदयात्रिका कहेंगे ना, या इसको कहेंगे पदयात्रिका, बताइए। पदयात्रिका क्या होते हैं? पदयात्रिका होते हैं पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, पदयात्रिका। पर इसको क्या कहेंगे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। कभी भी आप स्कूल के आसपास में दिखेंगे तो आपको इस तरह से एक साइन बोर्ड दिखेगा, इसका मतलब होता है अग्रे विद्यालय। अग्रे विद्यालय मतलब आगे विद्यालय है, अग्रे विद्यालय आगे विद्यालय है। उसके बाद ये वाला साइन दिख रहा है, तो यहाँ इसके लिए तो हो जाएगा पदयात्रिका। पदयात्रिका मतलब पैदल चलने वालों के लिए, पदयात्री कहा। तो ये हो गया। अब उसके नीचे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ लाल जो सिग्नल है ये कहता है रुको तिष्ठ, क्या कहता है? रुको तिष्ठ। अब ये जो येलो है ये कहता है प्रतीक्षस्व, मतलब वेट, इंतज़ार करो, प्रतीक्षस्व, रुको। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है इसको कहेंगे गच्छ, गच्छ मतलब जाओ, ठीक है। और ये जो पी वाला है पार्किंग, तो इसका मतलब होता है यानम, यानम बोलते हैं गाड़ी। मा मतलब मत, स्थापय मतलब रखो, गाड़ी मत रखो यहाँ पर, स्थापय गाड़ी स्थापित यहाँ पर मत करो, तो नो पार्किंग। तो ये हो गए हमारे सारे साइन और उनका संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 8। तो ये कहता है कि उदाहरण के अनुसार क्रियापद का लोट लकार रूपे ही, लोट लकार के रूपों के द्वारा वाक्यानि पूरे करो। तो जैसे लिखा छात्रा प्रातः शीघ्रम, ये उदाहरण है। उत्तिष्ठन्तु, उत और तिष्ठ से उत उपसर्ग है, तिष्ठ धातु है, ऐसे बन गया उत्तिष्ठन्तु। वैसे गच्छ से क्या बन जाएगा? अहम लिखा, अहम क्रीडार्थम गच्छानि, क्योंकि अहम के साथ गच्छतु नहीं होगा, गच्छानि होगा, ठीक है। आगच्छन्तु, वयम, वयम के साथ गाय धातु है। वयम प्रार्थना गीतम, आओ हम सब प्रार्थना गीत गाएं, तो गाय गाय को कहेंगे गायामा। तो क्रीड है, ज्वरा अस्ति पुत्र वृष्टौ न, बुखार है पुत्र बादल में न खेलो, बारिश में न क्रीडतु खेलो। वैसे ही है लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु, क्या हो जाएगा? आनयतु लाओ। आरे अहम अंतः प्रविशानी, प्रविशानी। उसके बाद अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम, त्वम उत्तरम वद, तुम उत्तर बताओ। यूयम शीघ्रम नगरम, तुम सब जल्दी ही नगर को क्या करो? आ गच्छ मतलब आ जाओ, आ गच्छत, ये हो जाएगा। तात वयम कदा चलचित्रम, पिताजी हम कब मूवी देखें, है ना, पश्यामा, पश्यामा, ठीक है। ये सारे मैंने आपके लिए उत्तर यहाँ लगा दिया। अब प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादिवाचक चिन्ह है, ये पूर्णवाचक। भावानुसारम वाक्य योजयन्तु, भाव के अनुसार वाक्य में जोड़ो। जैसे लिखा राकेश कुत्र असि, कहाँ हो? अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। पुत्र किम करोसि, जब किम है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। कः श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है? भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आ रहे हैं, तो कदा जब लग गया तो प्रश्नवाचक हुआ। अहो रमणीया पर्वता, अरे कितना प्यारा पर्वत है, तो यहाँ पर भी ये वाला हो जाएगा, ठीक है, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। तो अब है बच्चों उसके बाद योग्यता विस्तार। तो ये कुरु उपकारम कुरु उद्धारम, ये गीत है, इसको आप अपने क्लास में शिक्षक की सहायता से ज़रूर गाएं। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने लिखा हुआ है।
तो इसके बाद योग्यता विस्तार में लोट लकार के क्रियापद जो हैं नीचे लिखे चिन्हानी भवंती, नीचे लिखे चिन्ह होते हैं, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी धातु लगा दो, जैसे पठ लगा दोगे ना सब जगह, तो क्या बन जाएगा, लोट लकार बन जाएगा, ठीक है। पठ, फिर पठ, फिर पठ, सब जगह पठ लिख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, लोट लकार आ जाएगा। ये पठ धातु लिखा, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ पठतम, पठ पठानी, कोई भी लकार आप इसके साथ, कोई भी धातु आप इसके साथ जोड़ दो, कोई भी क्रीड जोड़ दो, लिख जोड़ दो, तो आपको ये आने चाहिए, ये चिन्ह है, ये साइन है लोट लकार के। अगर ये आ जाएंगे आपको तो लोट लकार आ जाएगा। ऐसे आपको परियोजना दी हुई है, एक प्रोजेक्ट वर्क के लिखा है, बुक से लोट लकार के क्रियापदों को चुनकर लिखो, एक तो ये है। तो घर में माता आपकी या आपको क्या क्या आदेश देती है, ये आप लोट लकार के 5 वाक्य लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10वां पाठ। इसके बाद हम 11वां पाठ ज़रूर पढ़ेंगे, पहले आप इस 10वें पाठ को अच्छे से पढ़ लो, तो 11वां पाठ उसके बाद आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो इतना ही है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सारे पाठ आराम से पढ़ेंगे। अब वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लो और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है।